हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको एक्सप्लेनेशन दें। एन इलेक्ट्रिशियन वांट टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ ए पोल हाइट 9 मीटर्स। एक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये भी इसकी पूरी हाइट है 9 मीटर्स। ही नीड टू रीच 1 पॉइंट। क्या करता है इलेक्ट्रिशियन, जब चढ़ता है तो एक सीढ़ी लगाता है, तो कितने ए बी सी यहाँ पर से इस तरफ सीढ़ी लगा दे रहा है, मतलब 1.8 मीटर्स पहले लगा दे रहा है सीढ़ी, पूरे पोल के 9 मीटर्स है तो 1.8, मतलब क्या हो गया, ये पोल की हाइट हम क्या लेंगे 9.0 में से 1.8 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको आ जाएगा 7.2। हम ये यूज़ करेंगे हाइट इज इक्वल टू ये। उसके बाद क्या करा उन्होंने, नेक्स्ट रिपेयर द वर्क, ही शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर विच शुड यूज, नहीं इसके रिपेयर करने के वास्ते क्या कर रहा, एक लैडर सीढ़ी को यूज कर रहा, एक सीढ़ी है, ये एक सीढ़ी है। वेन द क्लाइंब द एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, जब इन्हें ऊपर चढ़ा तो इसका एंगल कितने डिग्रीज हो रहा, 60 डिग्रीज हो रहा ग्राउंड से। वॉट विद द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर फुट ऑफ द पोल, लैडर और फुट के बीच का ये दोनों का डिस्टेंस कितना है हमको मालूम करना है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पर जो पॉइंट दे दिए ए बी सी, इसको दे देंगे डी। तो हम क्या करेंगे, पूरा पोल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें नीचे चढ़ रहा 1.8 मीटर्स पहले ही चढ़ गया, तो हम वही उसको यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में क्या लेंगे, सबसे पहले टोटल पोल ले लेंगे, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ द पोल 9 मीटर्स है, 9 मीटर्स। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कट ऑफ कर देंगे, ए डी ले लेंगे, इसका पोल का हाइट 7.2 मीटर्स ले लेंगे, 1.8 को माइनस कर दिया हम ऑलरेडी यहाँ पर, ये माइनस करके हम जितना है उतना ही ले लेंगे पूरा, क्योंकि पूरे पोल पे उन्हें नहीं चढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ये ले लेंगे सी डी, सी डी इज द, सी डी इज द लेंथ ऑफ द लैडर। देखिए लैडर हो या आप रोप यूज़ कर रहे हो तो उसको लेंथ लिखना, हाइट नहीं लिखना, लेंथ ऑफ द लैडर, ये हो गया। उसी तरह ए सी इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पोल एंड लैडर, दोनों के बीच का फासला है। यहाँ पर अभी एक एंगल बना, कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज है क्वेश्चन के अंदर, 60 डिग्रीज एंगल ऑफ ए लैडर को एक्स दे दिए, 60 डिग्रीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर ले लेंगे, इसको डी ले लेंगे, क्योंकि ये भी मालूम करना है, ये भी मालूम करना है, दोनों चीज़ें हमको इसके अंदर मालूम करना है, ये नहीं, ये भी हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट साइड मालूम करना है। अगर हाइपोटेन्यूस साइड मालूम करने के लिए हमको अपोजिट साइड मालूम है, ये अपोजिट साइड है 7.2, हाइपोटेन्यूस साइड मालूम करना है डी, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस के लिए साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, इसका अपोजिट साइड हम क्या ले लिए, 7.2 मीटर्स ले लिए, हाइपोटेन्यूस साइड क्या है हमको मालूम करना है डी, ये उसी तरह हम रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू टेबल से अगर आप देखेंगे तो √3/2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 7.2 × ये डी हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 × d √3 हो जाएगा, 2 × 7.2 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, √3 × d इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 14.4। नेक्स्ट अगले स्टेप के लिए डी इज इक्वल टू 14.4/ ये √3 ले लेंगे। डिनोमिनेटर में √3 जब भी आता हम इसको क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइज √3/√3 हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। अब रेशनलाइज करें तो क्या आ गया, 14 d इज इक्वल टू 14 × √3/3 जा 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाए यहाँ पे 3। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, d इज इक्वल टू 4.8√3 मीटर्स। क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर आ गया हम, क्या आ गया, 4.8√3
मीटर्स, लेंथ ऑफ द लैडर होगा 4.82। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये भी मालूम करना है हमको, तो इसलिए ये साइड बाई ये साइड ले लेंगे। हमको मालूम है अपोजिट बाई एडजेसेंट साइड, ज़्यादा हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो अपोजिट बाई एडजेसेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर टैन यूज़ करेंगे। अपोजिट बाई एडजेसेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अपोजिट साइड हमको मालूम है 7.2 ले लेंगे। उसी तरह एडजेसेंट फाइंड करना है, इसको क्या ले लेंगे हम x, क्योंकि हमको मालूम नहीं है। अब टैन 60 की वैल्यू हमको पता है, रूट 3 है, इज इक्वल टू 7.2 बाई नीचे x। यहाँ पर 1 डाल के इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये रूट 3x हो जाएगा, ये 7.2 हो जाएगा। दोबारा से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7.2 बाई रूट 3। ये रूट 3 को हम दोबारा रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 बाई रूट 3 ले लेंगे। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7.2 रूट 3 हो जाएगा। 3 जा 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12। x इज इक्वल टू 2.4 रूट 3। किसका आंसर हो गया ये, किसका आंसर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैडर, पोल एंड लैडर इज इक्वल टू 2.4 रूट 3 मीटर्स है इसका आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, ए बोट हैज टू क्रॉस ए रिवर, एक बोट है एक रिवर क्रॉस कर रहा। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक रिवर है ये, ए भी एक रिवर है, इसको एक बोट क्रॉस कर रहा। इट क्रॉस द रिवर मेकिंग एंगल 60 डिग्रीज, ये क्या कर रहा, रिवर को क्रॉस करने के लिए 60, अब ये शिप ऐसे जा रहा तो इसको क्रॉस करने के लिए इस तरह 60 डिग्री से एंगल कर रहा है बोट। विद द बैंक, ये एक बैंक है, किनारा है। ड्यू टू द स्ट्रीम ऑफ द रिवर ट्रैवल डिस्टेंस 600 मीटर्स रीच अनदर साइड ऑफ द रिवर, दूसरी तरफ जाने के लिए इसको कितना, कितने से मीटर जाना पड़ा, 600 मीटर जाना पड़ा, ये 600 मीटर्स है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई कितनी है हमको मालूम करना है। ए बी सी, नदी की चौड़ाई कितनी है हमको मालूम करना है। इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी इज द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर ये क्या है, नदी का किनारा है। ए बी इज द, ये ए बी इज द क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई है। उसी तरह नेक्स्ट क्या करेंगे, एंगल ए बी सी हमको मालूम है, ए बी सी कितना है, ए बी सी 60 डिग्रीज गिवन है। अब 60 डिग्रीज है, ये हो गया एडजेसेंट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस साइड। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस के लिए हम क्या लेंगे, कॉस ले लेंगे, कॉस 60 डिग्रीज इज इक्वल। देखिए साइड से याद करना बहुत जरूरी है, जब तक आप नहीं करेंगे चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। एडजेसेंट क्वेश्चन में क्या है, डी हाइपोटेनस साइड क्वेश्चन में यह गिवन है 600, यहाँ पर एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए कॉस 60 की वैल्यू अगर टेबल से आप देखेंगे तो 1/2 हो जाएगी, डी बाई 600 हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 × d 2d, 600 डी इज इक्वल टू 600 बाई 2, 2 × 1 = 2, 3 = 0, 0 देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो गया, 300 मीटर्स। तो हमको क्या आ गया आंसर, डी इज इक्वल टू 300 मीटर्स। तो हमको आ गया विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 300 मीटर्स, ये हमारा आंसर है। इस तरह आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।